हॉलीवुड के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन ने साल 1973 में उस दौर की फेमस अभिनेत्री जया भादुरी से शादी कर ली। इसके बाद जया बच्चन ने फिल्मी दुनिया को ज़्यादा तवज्जो न देते हुए घर संभालना शुरू कर दिया। वहीं अमिताभ की बात करें तो बिग भी अपनी फिल्मों के कारमा को आगे बढ़ाते रहे और एक के बाद एक हिट फिल्में इंडस्ट्री को देते रहे। बेहद ही कम लोग इन दोनों की लव स्टोरी के बारे में जानते हैं। इनकी लव स्टोरी भी बेहद दिलचस्प है। जया बच्चन ने अपने करियर की शुरुआत साल 1971 में की थी। इसके बाद जया ने ठीक एक साल बाद अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म बंसी बिरजू में काम किया। बस इसी बीच इन दोनों के बीच की प्यार की शुरुआत हो गई। बताया ये जाता है कि इस फिल्म के दौरान दोनों के बीच नज़दीकियाँ आने लगी और इनके प्यार की शुरुआत हो गई। इसके अलावा खबरें के माने तो फिल्म जंजीर के हिट होने की खुशी अमिताभ बच्चन और जया बच्चन लंदन जाकर मनाना चाहते थे और तब तक कोई जानता भी नहीं था कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। वहीं जब अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन को जब ये पता चला तो उन्होंने अमिताभ को खूब सुनाया और कहा कि अलग लंदन जाने का मन हो तो पहले इस लड़की से शादी करो। इसके बाद दोनों ने साल 1973 में शादी कर ली। शादी के अगले ही दिन जय और अमिताभ लंदन घूमने चले गए। इसके बाद जीवन ऐसे ही चलता रहा। इसी बीच अमिताभ बच्चन और रेखा के अफेयर की खबरें मीडिया में इंडोर इंडस्ट्री में जोर पकड़ने लगी। ऐसे में जब जया ने एक बार रेखा को डिनर पर बुलाया तो ये साफ कर दिया कि अमिताभ से वो दूर रहे और यही ठीक रहेगा। एक ऐसा ही किस्सा बेहद पुराना था। एक बार जी सिने अवार्ड्स के कार्यक्रम में बॉलीवुड दिग्गज एक्टर और एक्ट्रेसेस ने शिरकत की। ये किस्सा साल 2014 का है जब मुंबई में आयोजित स्क्रीन अवार्ड्स में मिस्टर बच्चन ने सभी के सामने मिसेस बच्चन को किस कर दिया, जिनकी फोटो ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। हर कोई वो सीन देखकर हैरान रह गया, लेकिन खास बात ये थी कि वहां रेखा भी मौजूद थी, जो अमिताभ के ऐसा करने से बिल्कुल चौंक गई। उस रात अमिताभ ने हाथ जोड़कर रेखा का गर्मजोशी से अभिवादन भी किया और नमस्ते भी कहा था।